Today we are going to discuss KVPY 2019 solution. So I will discuss the mathematics part. So let us start it. So question number 1, dekhiye kuch aisa hai. The number of 4 letter word that can be formed with letter A, B and C such that all 3 letters occurs. So dekhiye, 3 letter hai humare paas A, B, C, isko use karke ek 4 letter ka word humko banana hai. Condition ye hai ki ye teenon letter usme aane chahiye. अच्छा देखिए, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो हम टोटल कितने वर्ड्स हम बना सकते थे यहाँ पे, राइट? उस केस में हर प्लेस को फिल करने 3 ऑप्शन होते हमारे पास, राइट? इस प्लेस में हम ए, बी और सी कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो ऐसे में टोटल वर्ड बन जाते 3 पावर 4. लेकिन अब हमको इसमें से वो वर्ड सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे जिसमें ए, बी, सी तीनों नहीं आते हैं. तो देखिए कौन कौन से वर्ड हम सब्ट्रैक्ट करें. तो सबसे पहले जैसे ये वर्ड हुआ ए ए ए ए, बी 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 और सी 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 सी, यानी जो केवल एक लेटर से बने, ऐसे 3 वर्ड हैं. तो इन तीनों को हम टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. उसके बाद अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उन वर्ड्स को जो दो दो लेटर के कॉम्बिनेशन से बने. तो वो देखिए कौन कौन से होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इन 3 लेटर ए बी सी में से अगर हम ये डिसाइड करें कि कौन से 2 लेटर के कॉम्बिनेशन से हमें वर्ड बनाने हैं, तो वो डिसाइड करने के दोस्तों 3 तरीके हैं. या तो हम ए और बी यूज करें, राइट, या बी और सी यूज करके बनाएं, या सी और ए यूज करके बनाएं. अब जैसे हम ए और बी से बनने वाले अगर काउंट करते हैं कि ए और बी से बनने वाले कितने वर्ड होंगे, तो इस केस में क्या होगा कि चारों प्लेसेज हैं मेरे पास और हर प्लेस को फिल करने के मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे, यानी ए और बी से टोटल वर्ड बनेंगे 2 पावर 4. लेकिन इसमें भी देखिए, ये ए और बी से बनने वाले सारे वर्ड आते हैं इसमें, तो ये दोनों वर्ड भी इसमें आ गए जबकि हम इनको ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं. तो ये दोनों वर्ड अपने को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, यानी टोटल इतने वर्ड ए और बी से बन जाएंगे. सेम इतने ही बी और सी से बनेंगे और इतने ही सी और ए से बनेंगे. तो टोटल सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं. और अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपको आंसर मिलेगा 36. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 36. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन एंड दिस इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री. तो यहाँ देखिए एक सेट हमको गिवन है और उसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन गिवन है, राइट, और थीटा इसके सॉल्यूशन है और हमें ये बताना है कि इस सेट और 0 से π का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा. इन अनदर वर्ड, हमें ये बताना है कि इस इक्वेशन के 0 से π में कितने सॉल्यूशन होंगे. ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ. देखिए साइन थीटा बाई 3 प्लस 2 cos θ/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 3 प्लस 2/3 cos²θ. और दोस्तों बहुत ही आसान है, आप स्क्वायर को अगर ओपन कर लेते हैं और सब टर्म को एक तरफ करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन फाइनली यू गॉट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपको मिला कि साइन थीटा बराबर होना चाहिए कॉस थीटा के, और यू कैन से टेन थीटा इज इक्वल टू 1. और 0 से π में अगर हम बात करें, इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to π, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 का केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन हमको मिलता है, थीटा इज इक्वल टू π/4. यानी 0 से π में इस इक्वेशन का एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. And this question is from House of Integration. The area of the region bounded by the line x equal to 1, x equal to 2 and given 2 curves. तो first of all, चलिए इन curve को हम समझते हैं. देखिए first curve को अगर हम इसको solve करके यहाँ से y की value calculate करें, तो हमें y का value क्या मिलेगा, sin x divided by x plus e power x, right? Similarly, इस second curve को अगर हम simplify करते हैं और यहाँ से y की वैल्यू लेते हैं, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी साइन x डिवाइडेड बाई x एंड प्लस x² / 2. तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया आपको निकालना है बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2. तो देखिए दोस्तों कि ये दोनों टर्म तो साइन x बाई x तो इनमें सेम ही है. अगर आप इसको कंपेयर करते हैं e पावर x को और x² / 2 को, तो आप पाएंगे कि 1 से 2 में e पावर x की वैल्यू x² / 2 से ज़्यादा होगी, यानी कि इसका ग्राफ इसके ग्राफ से ऊपर होगा. यानी हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि इसका ग्राफ अगर ऐसा है तो इस कर्व का ग्राफ इसके नीचे आएगा, ऐसे x = 1 से
x equal to 2 में, और ये एरिया हमको कैलकुलेट करना है. तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं. 1 से 2 में हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए. अगर मैं इसको y1 और y2 बोलूं, तो y1 माइनस y2 dx, ये हमको कैलकुलेट करना है. तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन x बाई x तो कैंसिल हो जाएगा, और e पावर x माइनस x स्क्वायर बाई 2 ये आपको मिलेगा. और बहुत ही सिंपल इसका इंटीग्रेशन होगा, e पावर x माइनस और x स्क्वायर बाई 2 दैट कैन बी टन x क्यूब बाई 6. और इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, लिमिट ले 1 से 2, तो फाइनली अपना आंसर आएगा e स्क्वायर माइनस e, और यहां लिमिट पुट करने पे आपको मिलेगा 7/6. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड, e स्क्वायर माइनस e माइनस 7/6. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये है क्वेश्चन नंबर 4. लेट ए बी बी ए लाइन सेगमेंट विद मिड पॉइंट सी. तो चलिए हम साथ साथ डायग्राम बनाते चलते हैं. तो एक लाइन सेगमेंट हमारे पास ए बी, और ये इसका मिड पॉइंट हमने ले लिया है सी, एंड डी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और इस ए सी का मिड पॉइंट हमने ले लिया है डी. लेट सी वन बी द सर्कल विद डायमीटर ए बी. तो ए बी को डायमीटर लेके एक सर्किल बना लेते हैं हम, और ये सर्किल हो गया सी वन. एंड सी टू बी द सर्कल विद डायमीटर ए सी. तो ए सी को डायमीटर लेके सर्किल बना लेते हैं, ये सर्कल हो गया है सी टू. तो देखो डेफिनेटली इस सी टू का सेंटर हो जाएगा डी, और सी वन का सेंटर हो जाएगा ये पॉइंट सी. लेट ई बी अ पॉइंट ऑन सी वन सच दैट ई सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. देखिए ई इस पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन हमें कंडीशन गिवन है कि ये जो ई सी बनेगी ये ए बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी ये एंगल 90 होना चाहिए. तो इस तरह से अगर हम देखें तो ई की दो पोजीशन हमारे पास पॉसिबल है. हम यहां भी ई ले सकते हैं और यहां भी ले सकते हैं, कोई भी एक पोजीशन हम ले लेते हैं. चलिए सिमिलरली आगे की लाइन है. लेट एफ बी अ पॉइंट ऑन सी टू सच दैट डी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी. तो इस पर एक पॉइंट एफ है और डी एफ है जो परपेंडिकुलर है ए बी के. तो ये दो पॉसिबल पोजिशन होती है एफ की. और आगे की लाइन में गिवन है ई एंड एफ लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बी. तो अगर हमने ई इधर लिया है तो ए बी के अपोजिट साइड, यानी यहां हम एफ लेंगे. तो ये डायग्राम हमें गिवन है क्वेश्चन में, और पूछा क्या हमसे द वैल्यू ऑफ साइन एफ ई सी. एफ ई सी यानी इसको अगर हम मिला देते हैं ऐसे, एंड लेट दिस एंगल इज थीटा, तो हमको दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करनी है. ये क्वेश्चन है. तो देखिए बहुत आसानी से ज्योमेट्री से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. मान लेते हैं इस वाले सर्किल की रेडियस आर है, यानी ये डिस्टेंस आर हो गई. सिमिलरली ये डिस्टेंस भी आर हो गई, और ये इसको आधा आधा करें अगर हम, तो ये डिस्टेंस आर बाई टू हो गई, करेक्ट. और ये थीटा एंगल मुझे निकालना है, तो उसके लिए देखिए मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं इस जगह, और इस पॉइंट को हम लेट पी बोल देते हैं. अब ध्यान से देखिए, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, और ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया तो ये एंगल भी 90 है. तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एक स्क्वायर हमारे सामने बन जाएगा. ये लेंथ आर बाई टू है, ये लेंथ आर बाई टू है, ये भी आर बाई टू हो गई, ये भी आर बाई टू हो गई, और ये रेडियस है बड़े वाले सर्किल की, तो ये आर हो गई. अब देखिए ये आर बाई टू है, और ये टोटल लेंथ हो जाएगी आर प्लस आर बाई टू, यानी थ्री आर बाई टू. तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम एफ ई का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. एफ ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट स्क्वायर ऑफ दिस, यानी आर स्क्वायर बाई फोर, प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, यानी कि 9/4 आर स्क्वायर. सो फाइनली वी गॉट रूट 10 आर बाई टू. तो अब इस ट्राइंगल में मेरे पास एफ ई का भी वैल्यू है, सामने वाली साइड भी है. तो साइन थीटा अगर हम यहां से कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो वो होगा देखिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और यहां पे परपेंडिकुलर है आर बाई टू, और हाइपोटेनियस हो गया हमारे पास रूट 10 आर बाई टू. तो आफ्टर कैंसिलेशन 1/√10 इज द राइट आंसर. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ये जो क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट से लिया गया है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है ऐसे 1 1 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 एक्स पावर 6 माइनस 3 एक्स पावर 4 इक्वल टू 0. और नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन इसके बताने हैं, तो इसमें कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बस आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है. हम यहां से एक्स कॉमन ले लेते हैं,
और यहां बन जाएगा 1, यहां x, यहां x स्क्वायर, सिमिलरली यहां से भी हम x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर x क्यूब हो गया और यहां पे 1 x स्क्वायर और x पावर 4 हो गया। अब दोस्तों अगर इसको हम सिंपलीफाई करें, बहुत ही सिंपल सा डिटरमिनेंट है, तो आप इसको ओपन कर ओपन करके सिंपलीफाई करते हैं तो फाइनली जो इक्वेशन मिलेगी आपको उसके फैक्टर करने पर आपको इसके ये फैक्टर मिलेंगे, यानी यहां से हमको जो x की वैल्यू मिलेगी वो इस फैक्टर की वजह से 0 मिलेगी, इसकी वजह से 2 मिलेगी, राइट, और इसकी वजह से हमें एक नेगेटिव वैल्यू x का मिलेगा जो इंटीजर तो कतई नहीं होगा, दैट इज -2^1/3। तो हमसे यहाँ इंटीजर रूट पूछे गए, तो 0 और 2 ये दोनों ही इसके इंटीजर रूट हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है देखिए कैलकुलस से है, एक सिंपल पॉलिनोमियल के बारे में बात हो रही है, इसकी प्रॉपर्टी आपको गिवन है पी 1+x इज इक्वल टू पी 1-x, राइट। तो ये जो पॉलिनोमियल है हमारा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लाइन x इक्वल टू 1 के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो जाता है। पी 1 भी आपको गिवन है कि पी 1 का वैल्यू 0 है, लेट m बी द लार्जेस्ट इंटीजर सच दैट x-1^m डिवाइड्स पी एक्स, देन फाइंड m, ये क्वेश्चन है। अब यहां देखिएगा p1 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो इससे ये तो कंफर्म हो गया कि जब मैं px के फैक्टर करूंगा तो उसमें एक फैक्टर पक्का x-1 आएगा, उसके अलावा और भी पॉलिनोमियल फैक्टर उसका हो सकता है। यहां देखिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो मुझे मिलेगा p'(1+x) इज इक्वल टू -p'(1-x), और इसमें दोस्तों अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा p'(1) इज इक्वल टू -p'(1) विच इज फाइनली इक्वल टू p'(1=0। तो इससे हमें यह पता लगता है कि x इक्वल टू 1 जो है ये p'(x) इक्वल टू 0 का भी रूट है, राइट, और x इक्वल टू 1 px का भी रूट है, और x इक्वल टू 1 इसके डेरिवेटिव का भी रूट है। तो अगर ये इसके डेरिवेटिव का रूट है तो डेफिनेटली ये इसका रिपीटेड रूट होना चाहिए। तो इन दोनों बातों से ये कंक्लूजन निकल के आता है कि px के जब हम फैक्टर करेंगे तो x-1 जो है उसका रूट होगा और रिपीटेड रूट होगा, यानी इसका पावर एटलीस्ट 2 यहाँ पे डेफिनेटली होगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे x-1^m से, और अगर हम m का वैल्यू 2 लेंगे तो वो पक्का इससे डिवाइड हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें एक फंक्शन हमको गिवन है f(x) इज इक्वल टू x sin 1/x, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन इट इज इक्वल टू 1, और हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि f(x) इक्वल टू 1 के कितने सॉल्यूशन होंगे। यहां देखिए f(x) इक्वल टू 1 के सॉल्यूशन का सेट है a, और हमें बताना है कि a में कितने एलिमेंट होंगे, यानी f(x) इक्वल टू 1 के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो दोस्तों देखो एक सॉल्यूशन तो हमें नजर आ ही रहा है, जैसा क्वेश्चन में डिफाइन है कि f(0) की वैल्यू 1 होगी, तो डेफिनेटली x इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन हो गया। तो एक सॉल्यूशन तो हो ही गया, इससे अगर और भी सॉल्यूशन है तो वो चेक करते हैं। अब इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखें ना तो आप पाएंगे कि यहाँ पे अगर आप f(-x) निकालते हैं, x की जगह -x डालेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस से f(x) आ जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, राइट, यानी इसका जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। तो अब हम केस डिस्कस कर लेते हैं, एक बार मैं x को पॉजिटिव लेता हूँ, अगर x पॉजिटिव है यानी कि y एक्सिस के राइट साइड में, तो अगर उधर इसका कोई सॉल्यूशन हमको मिलता है, जितने सॉल्यूशन हमको x ग्रेटर देन 0 के लिए मिलेंगे उतने ही सॉल्यूशन हमको x लेस देन 0 के लिए भी मिलेंगे। तो पहले इस सेक्टर में पता करते हैं कि कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं है। अब देखिए अगर आपने ग्राफ देखा हुआ है तो आप जानते होंगे कि साइन थीटा जो होता है वो हमेशा थीटा से छोटा ही होता है फॉर ऑल थीटा ग्रेटर देन 0, राइट। यहाँ मुझे साइन 1/x की बात करनी है तो मैं थीटा की जगह 1/x डाल देता हूँ, तो साइन 1/x डेफिनेटली छोटा होगा 1/x से फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 0। और इससे दोस्तों हमें ये मिलता है कि x इंटू साइन 1/x इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, यानी जब आप x का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो x साइन 1/x हमेशा 1 से छोटा ही आएगा, यानी f(x) 1 से छोटा आएगा, दैट मीन्स f(x) कैन नॉट बी इक्वल टू 1,
यानी x greater than 0 पे fx का वैल्यू 1 कभी नहीं होगा, और फंक्शन सिमेट्रिक है y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इसलिए x less than 0 पर भी ये 1 नहीं होगा। इसका मतलब fx का वैल्यू 1 केवल और केवल एक जगह होगा x equal to 0 पे। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज a contain exactly one element। क्वेश्चन नंबर 8 जो है देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है और स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन है। तो लेट एस बी ए सबसेट ऑफ द प्लेन डिफाइंड बाय मॉड एक्स प्लस टू टाइम मॉड वाई इक्वल टू 1। मॉड ऑफ एक्स प्लस टू टाइम मॉड वाई इज इक्वल टू 1। देखिए अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं दोस्तों, तो आप देखोगे कि फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक है एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में भी और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होंगे, तो ये मॉड यहाँ से हट जाएंगे और आपको मिलेगा एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 1। और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो ये स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं हम। इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो है 1, यानी ये 1.0 पे एक्स एक्स को काटेगी। वाई इंटरसेप्ट है हाफ, तो ये 0.5 पे वाई एक्सिस को काटते हुए ऐसे लाइन बनेगी, राइट। अब सिमेट्रिक है ये, तो इसलिए इसी की रिफ्लेक्शन हमको इधर मिलेगी और इसी का रिफ्लेक्शन हमको ऐसे मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये जो कर्व है ये एक रोम्बस है। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं देखिए। देन द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड हैविंग नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद एस। अब ओरिजिन को सेंटर लेके एक सर्कल हमको बनाना है, उसका इस कर्व के साथ जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। दैट मीन्स वो सर्कल इस कर्व को कट करना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सर्कल ये बनाया मैंने, तो ये इसके इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए इस कर्व के साथ। तो ऐसे सभी सर्किल में जो स्मॉलेस्ट सर्किल होगा उसकी रेडियस हमसे पूछिए। तो हम जानते हैं कि जो स्मॉलेस्ट सर्किल होगा देखिए वो इसको कट नहीं करेगा ना, वो इस तरह से इसको टच करते हुए हम बना सकते हैं जो इस रोम्बस का इन सर्किल होगा, और यहां पर ये इसके इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएंगे। तो इस सर्किल की रेडियस आपसे पूछिए, और ये बहुत ही सिंपल है। इस लाइन की इक्वेशन अपने को पता है ही, ये पॉइंट 0.0 है, ये इसकी रेडियस है आर, और ये इसको टच कर रहा है, तो ये रेडियस बराबर होगी 0.0 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। तो ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैलकुलेट करें तो आएगी 0 + 2 × 0 − 1 मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1² + 2². फाइनली इट इज इक्वल टू 1/√5। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन जो है देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक इक्वेशन आपको गिवन है साइन 9x प्लस साइन ऑफ 3x इज इक्वल टू 0, और 0 से 2 पाई में आपको इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करने हैं, क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई में। तो हम यहाँ पे साइन c प्लस साइन d वाला फॉर्मूला लगा के इसके फैक्टर कर लेते हैं। सो इट कैन बी रिटन 2 साइन ऑफ दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, यानी 6x, एंड कॉस ऑफ दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3x इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये टर्म 0 होगी व्हेन साइन 6x इज इक्वल टू 0 और कॉस 3x इक्वल टू 0। ओके, आप जानते हैं साइन 6x का वैल्यू होता है 2 cos 3x साइन 3x, राइट। तो जब cos 3x 0 होगा तो sin 6x भी 0 हो जाएगा, यानी इसके जो भी सॉल्यूशन आएंगे देखिए वो ऑलरेडी इसके सॉल्यूशन में इंक्लूडेड होंगे, तो मुझे उसको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम इसी के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, वो सॉल्यूशन उसी में इंक्लूड होंगे। तो sin 6x इक्वल टू 0 है तो 6x इक्वल टू n पाई हो गया, यानी कि x का वैल्यू आपको मिला n π/6। यहाँ n इंटीजर है, n की इंटीजर वैल्यू देख डाल के हम चेक कर लेते हैं कि 0 से 2 पाई में कौन कौन से सॉल्यूशन आएंगे। तो n का वैल्यू 0 पुट करोगे आपको 0 मिलेगा, फिर 1 डालेंगे तो π/6, 2 पुट करेंगे 2π/6, देन 3π/6 एंड सो ऑन, एंड एट लास्ट 12π/6। ये जो टर्म होगी ये 2π हो जाएगी, इससे आगे जाने पर सॉल्यूशन 2π से बाहर चले जाएंगे। तो 0 से 2π में ये सॉल्यूशन हमको मिल रहे हैं। अगर आप इनको काउंट करें यहाँ से यहाँ तक 12 सॉल्यूशन हो गए, एक ये हो गया, तो टोटल मिला के 13 सॉल्यूशन इसके हमको मिलेंगे 0 से 2π में। सो द राइट आंसर इज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10th ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। अमॉन्ग ऑल द पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर 10 एंड 4।
चलिए हम पैरेललोग्राम बनाते हैं ऐसे और मान लेते हैं कि इसकी जो डायगोनल की लेंथ है ये वाली ये 10 है और ये डायगोनल का लेंथ इसका 4 है. तो इसमें ये पूछ रहा आगे द वन हैविंग मैक्सिमम एरिया, तो इसका एरिया कब मैक्सिमम होगा ये हमें पता करना है पहले. अच्छा देखिए, हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये लेंथ हो गई 5 और ये वाली भी 5 हो गई, ये लेंथ 2 हो गई, ये लेंथ भी 2 हो गई. इस एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूँ. अगर ये एंगल थीटा है तो देखिए ये वाला एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा. तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया अगर हम निकालें तो दैट इज 1/2 5 इंटू 2 इंटू साइन थीटा, हाफ बी सी साइन ए, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया ट्राइंगल के एरिया का. सिमिलरली अगर आप इसका एरिया निकालेंगे दैट इज अगेन हाफ 5 इंटू 2 इंटू साइन पाई माइनस थीटा, और आप जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा और साइन थीटा बराबर ही होते हैं, यानी इसका एरिया बराबर होगा. ये दोनों ट्राइंगल आप ध्यान से देखिए कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है तो इनका एरिया भी बराबर है. तो देखा जाए तो चारों ट्राइंगल का एरिया बराबर है. तो टोटल जो अपना पैरेललोग्राम है उसका एरिया हो गया इस ट्राइंगल के एरिया का 4 टाइम, यानी 4 टाइम हाफ 5 इंटू 2 इंटू साइन ऑफ थीटा. सो फाइनली दिस कैन बी रिटर्न 20 साइन थीटा. तो अब इसको अगर मैक्सिमाइज करना है तो देखिए यहां ओनली वेरिएबल थिंग इज थीटा, तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है दोस्तों 20. ये हमेशा 20 या उससे छोटा ही होगा, और ये 20 कब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, यानी कि थीटा का वैल्यू 90 होगा. सो फॉर मैक्सिमम एरिया थीटा मस्ट बी 90, राइट. तो हमें थीटा इक्वल टू 90 के लिए ही आगे कैलकुलेशन करनी है. तो अब हम मान लेते हैं चलिए ये एंगल 90 है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है पेरीमीटर ऑफ दिस पैरेललोग्राम. तो अगर देखिए ये 5 है, ये 2 है, ये एंगल 90 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगी. तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 5² + 2² विच इज √29. सिमिलरली ये भी √29 आएगी, ये भी √29 होगी, ये भी √29 होगी. तो पेरीमीटर जो है हमारा वो हो गया 4 टाइम √29. तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे देन यू गॉट 464. और अब हमें पता करना है कि कौन से इंटरवल में आएगा, राइट. 21 का स्क्वायर आप जानते हैं 441 होता है और 22 का स्क्वायर 484 होता है. तो ये डेफिनेटली 464 इसके बीच में लाई करेगा, तो पेरीमीटर जो हमारी वो 21 से 22 के बीच में आएगी. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3. क्वेश्चन नंबर 11 जो है देखिए, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट दिस टर्म एंड दिस टर्म आर बोथ इंटीजर्स. तो चलिए देखिए कैसे शुरू करें इसको, है ना. हमको ऐसे बोला गया है कि 2a - 1/b ये इंटीजर है, तो मैं मान लेता हूँ कि लेट ये क्या है लेमडा 1 है, और याद रखिएगा ये इंटीजर है. सिमिलरली 2b - 1/a को मैं मान लेता हूं कि ये भी लैम्डा 2 है और ये भी इंटीजर है. a और b हमें दिए हुए पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर आप यहां पुट करके चेक करते हैं, देखिए a पॉजिटिव इंटीजर है तो मिनिमम 1 होगा, तो ये टर्म भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगी. सिमिलरली ये भी पॉजिटिव मिलेगी, यानी ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 जो इंटीजर है हमारे पास ये भी पॉजिटिव इंटीजर ही आने चाहिए. सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ऐसा करते हैं यहां से हम एलिमिनेट करते हैं बी को. देखिए इस बी को मैं इधर ले आया और यहां से बी की वैल्यू लेके हम यहां पुट कर देते हैं, तो वो कितना आएगा हमारे पास ए लैम्डा 2 + 1/2, करेक्ट. थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमको मिलेगा 4a - 2 = λ1 λ2a + λ1, और यहां से a का वैल्यू मिलेगा हमको λ1 + 2 / 4 - λ1 λ2. सिमिलरली अगर देखिए अगर हम इसको b के लिए सॉल्व करते हैं ना, b की वैल्यू निकालते हैं, a को एलिमिनेट करते हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए λ2 + 2 / 4 - λ1 λ2. सेम पैटर्न है a और b में, तो बिना इसको सॉल्व करके इसको देख के हम बता सकते हैं कि ये वैल्यू आएगी, करेक्ट. अब मुझे गिवन है a और b भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर है. देखो तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 4 - λ1 λ2 है
ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, लैम्डा वन ऑलरेडी हमें पॉजिटिव गिवन है यहाँ से, तो ये टर्म पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू ये जो प्रोडक्ट है ये चार से छोटा होना चाहिए, और हम पहले देख चुके हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है देखो, तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि लैम्डा वन भी वन हो जाए और लैम्डा टू भी वन हो जाए, करेक्ट, इस पॉसिबिलिटी को चेक कर लेंगे हम। फिर एक बार ये पॉसिबिलिटी है कि लैम्डा वन वन हो जाए और लैम्डा टू टू हो जाए, इसको भी चेक कर लेंगे। सिमिलरली जब लैम्डा वन टू हो और लैम्डा टू वन हो जाए, और एक पॉसिबिलिटी है कि लैम्डा वन वन हो लैम्डा टू थ्री हो जाए, और इसका रिवर्स पॉसिबिलिटी कि लैम्डा वन का वैल्यू तो थ्री हो और लैम्डा टू की वैल्यू वन हो जाए। तो ये पांच पॉसिबिलिटी निकल के आती है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं लैम्डा वन लैम्डा टू की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं तो देखो ए का वैल्यू क्या मिलेगा, तो यहां वन पुट कर दीजिए तो फोर माइनस वन थ्री हो गया, यहां भी थ्री हो गया, तो ए का वैल्यू आया दोस्तों वन। सिमिलरली ये वैल्यू आप यहां पुट करोगे आपको बी का वैल्यू भी मिलेगा वन। तो ये ए और बी पॉजिटिव इंटीजर आ गए हमारे पास, तो ये एक सॉल्यूशन है। अब इस केस में आते हैं, ये वैल्यू उठा के अगर हम यहां डाल देते हैं देखिए, तो ए का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, लैम्डा वन प्लस टू यानी कि थ्री डिवाइडेड बाय फोर माइनस टू यानी टू, और ये वैल्यू दोस्तों देखो इंटीजर नहीं आ रही है, यानी इस केस में हमें ए और बी का इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगा। सिमिलरली इस वाले केस में अगर आप बी कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू जब आप यहां पुट करेंगे तो बी का वैल्यू भी आएगा थ्री बाय टू, तो ये भी गलत हो गया, तो इस केस में भी कुछ नहीं मिला अपने को। अब आते हैं इस केस में, तो यहां देखिए ए का वैल्यू क्या आता है, लैम्डा वन का वैल्यू वन डाल देते हैं तो यहां थ्री हो गया, और यहां फोर माइनस थ्री यानी कि वन हो जाएगा, तो ए का वैल्यू आ जाएगा थ्री, और बी का वैल्यू क्या आता है, यहां पुट करिए लैम्डा टू तो थ्री प्लस टू फाइव हो गया, और यहां वन हो गया, तो बी का वैल्यू आ गया दोस्तों फाइव। सिमिलरली इस केस में ए का वैल्यू फाइव आएगा और बी का वैल्यू थ्री, तो आप देख सकते हैं हमको तीन पॉसिबल ट्रिपलेट मिलते हैं ए और बी के, वन वन थ्री फाइव और फाइव थ्री, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 जो है देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर से है, जेड एक्स प्लस आयोटा वाई एंड डब्ल्यू यू प्लस आयोटा वी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच लाइज ऑन यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल मॉड जेड इक्वल टू वन, इस सर्किल पे ये दोनों है, सच दैट जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन, देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ जेड एंड डब्ल्यू हमको पता करने। आइए देखिए, अगर ये दोनों देखिए यूनिट सर्किल पे है यानी इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका मतलब दोनों का मॉड वन हो गया, तो मैं इसको एक्स वाई और यू ही लेके कैलकुलेट करने से अच्छा होगा कि मैं इसको ऐसे ले लेता हूं कि जेड बराबर हो गया वन इंटू ई पावर आयोटा थीटा के, जो वन है इसका मॉड्यूलस है जो वन होना चाहिए गिवन है हमको, राइट, और थीटा मान लेते हैं इसका आर्ग्यूमेंट है। सिमिलरली जो डब्ल्यू है उसको भी मैं वन इंटू ई पावर आयोटा फाई इस फॉर्म में लिख लेता हूं, पोलर फॉर्म में। थीटा और फाई जो है दोस्तों ये हम लेंगे जीरो से टू पाई में, इसके आगे अगर हम लेते हैं फिर रिपीटेशन होने लग जाएगा, अलग अलग पॉइंट हमको काउंट करने हैं तो रिपीटेशन से बचना है, तो आर्ग्यूमेंट जीरो से टू पाई में ही देखेंगे हम, राइट। अब ये दोनों वैल्यू लेके हम इस कंडीशन में पुट कर देते हैं, तो देखिए जेड स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा ई पावर टू आयोटा थीटा एंड ई पावर टू आयोटा फाई इज इक्वल टू वन। यहां अगर हम यूलर थ्योरम यूज करें तो इट कैन बी रिटर्न कॉस टू थीटा प्लस आयोटा साइन टू थीटा एंड दिस कैन बी रिटर्न कॉस टू फाई प्लस आयोटा साइन टू फाई इज इक्वल टू वन। अब यहां से हम कंपेयर कर लेते हैं, देखिए रियल पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइड, और दोनों साइड हम कंपेयर कर लेते हैं इमेजिनरी पार्ट्स को, तो आप क्या पाएंगे, इधर रियल पार्ट हो गया हमारे पास कॉस टू थीटा प्लस कॉस टू फाई इज इक्वल टू वन, और इधर इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर करेंगे तो वो है साइन टू थीटा प्लस साइन टू फाई, और इधर इमेजिनरी पार्ट है जीरो। तो इस तरह से मुझे दो इक्वेशन मिल गई है थीटा और फाई में, जिसको सॉल्व करके अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ज्यादा आसान है। साइन टू थीटा
is equal to sine of minus 2 phi, ऐसा लिख देते हैं इसको, ये phi है sorry यहाँ पे, general solution लिखे अगर हम इसके, तो 2 theta बराबर हो गया n pi plus minus 1 की power n into minus 2 phi, तो यहाँ minus और 2 phi, तो यहाँ से देखिए हमें theta की value मिलेगी n pi by 2 minus minus 1 power n और phi, n की different different integer value हम यहाँ put कर सकते हैं, तो if I put n is equal to 0, तो मुझे condition मिलेगा कि theta होना चाहिए minus phi के बराबर, n का value अगर 1 लेते हैं, तो हमें मिलेगा pi by 2 plus phi के बराबर, n का value 2 लेते हैं, तो ये बनेगा pi और minus phi के बराबर, n का value 3 लेंगे, तो and so on, इसी तरह से आगे, और देखिए 3 लेने पर आएगा कितना, that is 3 pi by 2 plus phi, और n का value 4 लोगे दोस्तों, तो 2 pi plus करके ये हो जाएगा, तो value जो है वो desire interval से बाहर चली जाएगी, तो ये कुछ possibilities हमको मिलती है, अब देखिए ये possibilities हम यहाँ put कर देते हैं, क्योंकि मुझे दोनों का common solution निकालना है, अब आप देखिए इस केस में और इस केस में, अगर मैं theta की value pi by 2 plus phi या 3 pi by 2 plus phi डाल देता हूँ यहाँ पे, तो ये 2 theta है, तो ये क्या बन जाएगा pi plus 2 phi या 3 pi plus 2 phi बनेगा, और दोस्तों cos pi plus 2 phi जो होता है वो minus cos 2 phi होता है, cos 3 pi plus 2 phi भी minus cos 2 phi होता है, तो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपको मिलेगा 0 equal to 1, right? जो possible नहीं है, इसका मतलब ये दोनों केस हमें आंसर नहीं देंगे, अब ये दोनों केस बच गए, जो बचे हुए केस की बात करते हैं, देखिए अगर आप 2 थीटा की जगह minus phi यहाँ डाल देते हैं, तो cos minus 2 phi बन जाएगा cos 2 phi, similarly ये put करने पर भी ये cos 2 phi ही बनेगा, तो इन दोनों को अगर मैं यहाँ use करूँ, तो मुझे मिलेगा 2 cos 2 phi is equal to 1, यानी cos 2 phi की value मिलेगी दोस्तों हमको half, right? अब इसके general solution हम लिख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं देखो cos pi by 3, यानी 2 phi का value हो जाएगा 2 n pi plus minus pi by 3, और यहाँ से अगर हम phi calculate करें, तो that is n pi and 6 here, और भी simplify करके 6 n plus minus 1 pi by 6, तो देखिए phi का कौन-कौन सा value हमको मिलेगा, अगर हम n का value 0 लेते हैं, तो plus minus pi by 6 मिलेगा, तो 0 से 2 pi में मुझे value लेनी है, तो हमने plus pi by 6 ले लिया है, n का value 1 put करेंगे, तो हमको मिलेगा 5 pi by 6, और एक मिलेगा 7 pi by 6, n का value 2 डालेंगे, तो हमको मिलेगा 11 pi by 6, और 13 pi by 6, 13 pi by 6 2 pi से ज्यादा हो गया, तो उसको हम लेंगे नहीं, तो ये 4 value मुझे phi की मिल रही है, यानी w के मेरे पास 4 value मिल सकती है हमको, अब z के बारे में बात करते हैं, उसके लिए हमें थीटा निकालना पड़ेगा, तो अगर मैं इसको यूज करूं देखो, तो थीटा और phi के कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, राइट, थीटा बराबर है माइनस phi, तो इस तरह से इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेंगे देखो थीटा और phi के क्या क्या, अगर मैं इसको लेता हूं pi by 6, तो ये हो गया माइनस pi by 6, राइट, ऐसे आप देख सकते हैं 4 कॉम्बिनेशन यहां से बन जाएंगे ना, चारों से एक एक, तो 4 तो ये हो गए, फिर हम ये सेकंड कंडीशन अगर लेते हैं, तो इसमें आप देखिए कि जब phi को हम pi by 6 लेंगे, तो थीटा होगा pi minus phi, यानी कि 5 pi by 6, तो एक कॉम्बिनेशन ये बन गया, सिमिलरली इनसे एक एक और हमको मिलेंगे, तो टोटल मिला के थीटा और phi के 8 कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं, तो उससे हमको z और w के 8 पेयर मिलेंगे, so the right answer of this question is 3rd, क्वेश्चन नंबर 13 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेट ई डिनोट द सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एंड वी ऑल नो दैट देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, वी इज द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, राइट, एंड सी वी इट्स कॉम्प्लीमेंट्री सेट, दैट मीन्स सी इज द सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स, देन द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, चलिए हमको 4 लेटर वर्ड काउंट करने हैं, where repetition of letter are allowed, having at least one letter from V
एंड वन लेटर फ्रॉम सी. दैट मीन्स ऐसे वर्ड हमें काउंट करने हैं जिनमें एटलीस्ट एक वोविल हो और एटलीस्ट एक कॉन्सोनेंट हो. तो बड़ा आसान है, देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हम काउंट करेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे वो वाले वर्ड, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो केवल वोविल से बने हैं, राइट, विच आर फॉर्म्ड बाय ओनली वोविल्स, और वो भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो केवल कॉन्सोनेंट से बने हैं, ओनली फॉर्म बाय कॉन्सोनेंट्स, राइट. तो फिर कौन से बचेंगे जिनमें वोविल और कॉन्सोनेंट दोनों आएंगे. तो टोटल कितने बन सकते हैं, तो देखिए चार लेटर का वर्ड बनाना है, हर एक के लिए हमारे पास टोटल 26 पॉसिबिलिटीज है. तो टोटल वर्ड बनेंगे 26 टू द पावर 4, ओके. माइनस अगर हम केवल वोवेल से वर्ड बनाए, कॉन्सोनेंट यूज नहीं करें, तो फिर हर प्लेस को फिल करने की हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज होगी. तो ये हो जाएगा 5 पावर 4. और अगर केवल कॉन्सोनेंट वन से बनाते हैं, वोवेल यूज नहीं करते हैं, तो हर एक प्लेस के लिए हमारे पास 21 पॉसिबिलिटीज होगी. यानी खाली कॉन्सोनेंट से 21 पावर 4 वर्ड हम बना सकते हैं. तो अगर इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ऐसे वर्ड मिलेंगे जिनमें वोविल भी होंगे और कॉन्सोनेंट भी होंगे. कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, फाइनली यू गॉट 261870. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1. क्वेश्चन नंबर 14 जो है, देखिए ये वैक्टर और 3D से है. तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है. लेट सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 बी द प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अज्यूम दैट सिग्मा 1 इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 1 1 1, राइट. सो 1 1 1 जो है, देखिए ये इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है. तो एक तरह से देखा जाए तो ये इसके नॉर्मल के dr हो गए. यानी इस प्लेन सिग्मा 1 की इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें दोस्तों, तो वो हो जाएगी 1 × x 1 × y 1 × z = d. ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो d मस्ट बी 0. इसमें कॉन्स्टेंट टर्म भी नहीं आएगी. आगे चलते हैं. सिग्मा 2 इज अ परपेंडिकुलर टू वेक्टर एबीसी. यानी ये एबीसी जो है इसके परपेंडिकुलर वेक्टर के कंपोनेंट है, यानी नॉर्मल के dr हो गए. तो सिग्मा 2 की इक्वेशन हो गई ax + by + cz = 0. ये भी ओरिजिन से पास होता है. सिमिलरली सिग्मा 3 इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a² b² c², तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी a² x + b² y + c² z = 0. तो ये तीनों प्लेन हो गए हमारे पास. व्हाट आर द ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए बी सी सो दैट देयर इंटरसेक्शन इज अ सिंगल पॉइंट. ये कह रहा तीनों प्लेन एक सिंगल पॉइंट पे काटने चाहिए, राइट. हम देख सकते हैं वो पॉइंट ओरिजिन होगा, तीनों पॉइंट वहां से पास हो रहे हैं. यानी कि अगर हम इन तीनों की इक्वेशन को सॉल्व करें टू फाइंड देयर इंटरसेक्शन पॉइंट, तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए. अब यहां देखिए हम क्रैमर रूल यूज कर लेते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से. तीन लीनियर इक्वेशन है और यूनिक सॉल्यूशन चाहिए. तो यूनिक सॉल्यूशन कब आता है क्रैमर रूल में, जब कॉफिशियंट से जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसका वैल्यू जीरो ना हो. यानी 1 1 1 a² b² c² इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए. ये बहुत ही कॉमन सा डिटर्मिनेंट है, आपको याद होगा. इट कैन बी रिटर्न a - b b - c c - a, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो ये प्रोडक्ट जीरो नहीं होना चाहिए. यानी कि a, b और c तीनों कैसे होने चाहिए, दे मस्ट बी डिस्टिंक्ट नंबर. तीनों अलग अलग होने चाहिए, कोई दो भी सेम नहीं होने चाहिए. अब चलिए ऑप्शन चेक करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए बी सी अदर देन 1. तो ये गलत हो गया देखिए, क्योंकि अगर मैं 2 2 2 वैल्यू ले लेता हूं तो ये जीरो हो जाएगा और आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे. सेकेंड है एनी पॉजिटिव वैल्यू ए बी सी वेदर आइदर ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी और ए इज नॉट इक्वल टू सी. यहां बहुत केयरफुली पढ़ने की जरूरत है. इसको देखिए इधर और जो लिखा हुआ है दोस्तों, तो उसका मतलब ये होता है कि इन तीनों में से एटलीस्ट एक कंडीशन हुई तो हम उसको ले सकते हैं. लेकिन ये गलत हो जाएगा यहाँ पे. अगर मैं ऐसा ले लूँ कि ए और बी बराबर नहीं है लेकिन बी और सी बराबर है, करेक्ट, तो उस केस में भी ये जीरो हो जाएगा, आपको कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा. जबकि क्वेश्चन ये जो ऑप्शन सेकेंड है ये इसको अलाउ करता है, तो ये गलत है ना सेकेंड ऑप्शन. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. एनी थ्री डिस्टिंक्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए बी सी, ये करेक्ट आंसर है. ये मैं बता रहा कि ए बी सी तीनों डिस्टिंक्ट लेने चाहिए. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3.
Question number 15 is from probability. Ravi and Rashmi are each holding two red cards and two black cards. तो देखिए ये तो है मान लीजिए रवि और ये रश्मि. अब इसके पास दो रेड कार्ड है और दो ब्लैक कार्ड है. सिमिलरली इसके पास भी दो रेड कार्ड है और दो ब्लैक कार्ड है. अभी आगे क्या होता है, रवि पिक अ कार्ड एट रैंडम फ्रॉम रश्मि. तो रवि जो है यहां से एक कार्ड ले लेता है ऐसे, राइट दिस, एंड देन रश्मि पिक अ कार्ड एट रैंडम फ्रॉम रवि. अब यहां जो भी रवि के पास कार्ड होंगे उसमें से एक कार्ड रश्मि ले लेती है. एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेकेंड टाइम. एक बार और ऐसा करते हैं, यहां से फिर रवि ले लेगा और यहां से एक फिर रश्मि कार्ड ले लेगी. लेट पी वी द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हैव ऑल फोर कार्ड ऑफ द सेम कलर. यानी लास्ट में क्या होना चाहिए, किस चीज की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि दोनों के पास ना सेम कलर के कार्ड बचे. अब यहां देखिए दोस्तों दो ऑप्शन है, तो जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे पी, इसके दो ऑप्शन है, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के हमको ऐड करना पड़ेगा. क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो ये कि भाई लास्ट में रवि के पास क्या हो, फोर रेड कार्ड हो सारे, राइट, और रश्मि के पास चारों ब्लैक कार्ड हो. एक पॉसिबिलिटी है कि रवि के पास चारों ब्लैक कार्ड हो और रश्मि के पास चारों रेड कार्ड हो. तो दोनों की पॉसिबिलिटी निकाल के, प्रोबेबिलिटी निकाल के हम लोग ऐड कर लेंगे. तो चलिए एक केस पे बात करते हैं पहले. तो हम चाहते हैं कि एट लास्ट रवि के पास चारों रेड कार्ड होने चाहिए, तो ये कब पॉसिबल होगा देखिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रवि यहां से एक कार्ड पिक करेगा, इसको रेड कार्ड चाहिए, तो ये यहां से रेड कार्ड लेना चाहिए. यानी यहां से एक रेड कार्ड पिक करना है रवि को, तो क्या प्रोबेबिलिटी है यहां से एक रेड कार्ड लेने की. तो आप देखिए यहां पे इसके पास रश्मि के पास दो रेड और दो ब्लैक है, एक रेड कार्ड अगर पिक करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दोस्तों 2/4, राइट. अब ऐसा होने के बाद यहां रवि के पास थ्री रेड कार्ड हो जाएंगे और टू ब्लैक कार्ड होंगे. रश्मि के पास अब बचा है वन रेड और टू ब्लैक. अब रश्मि एक कार्ड यहां से पिक करेगी, तो रश्मि के पास ब्लैक कार्ड बचने चाहिए, तो रश्मि यहां से ब्लैक कार्ड पिक करेगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई यहां पर देखिए टोटल 5 कार्ड है, दो उसमें से ब्लैक है. और ऐसा होने के बाद इसके पास एक ब्लैक कार्ड आ गया, तो वन रेड और थ्री ब्लैक इसके पास बचे हैं. यहां रवि के पास थ्री रेड वन ब्लैक हो गया है. अब फिर से रवि एक कार्ड पिक करेगा, इस बार फिर रेड कार्ड लेगा ये, तो रवि रेड कार्ड पिक करे उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4. और उसके बाद यहां रवि के पास अब फोर रेड वन ब्लैक होगा, करेक्ट, और रश्मि एक बार फिर से ब्लैक कार्ड लेगी यहां पे, राइट, तो चार रेड और एक ब्लैक है. अभी यहां देखिए रश्मि के पास थ्री ब्लैक बचे हुए हैं, तो एक ब्लैक कार्ड लेने के बाद के पास चारों ब्लैक हो जाएंगे, रवि के पास चारों रेड हो जाएंगे, करेक्ट, और इस केस की प्रोबेबिलिटी हो गई 5 में से एक ब्लैक है, सो 1/5. सिमिलरली यही सेम प्रोबेबिलिटी अगर हम चाहें कि रवि के पास लास्ट में ब्लैक कार्ड बचे, तो इसी को आप ऐसे कर लीजिए कि यहां से पहले ब्लैक लेगा फिर रेड फिर ब्लैक फिर रेड, और आप सोच सकते हैं ये दोनों प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी, तो यही सेम रिजल्ट आपको यहां मिलेगा. दोस्तों अगर आप इसको कैलकुलेट करें देन फाइनल यू गॉट 1/50. तो पी जो प्रोबेबिलिटी है 1/50 है. अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करनी है आपको प्रोबेबिलिटी, तो मल्टीप्लाई दिस विद 100, सो फाइनल यू गॉट 2%. सो 2% प्रोबेबिलिटी है, सो द राइट आंसर इज पी लेस देन इक्वल टू 5%. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए कुछ इस तरह से, लेट A1, A2, A3 बी द रीजन ऑफ ऑन आर स्क्वायर डिफाइन बाय दिस. तो एक एक करके हम पढ़ते हैं. देखिए ये जो A1 है ये कौन सा रीजन है, x > 0, y > 0, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको बात करनी है, इसे आप पहचान गए होंगे. देखिए इसको अगर हम इस टर्म को ध्यान से देखिए, राइट, इसको ऐसा लिख सकते हैं x² + y² -2x - 2y + 1 < 0, राइट. और आप जानते हैं ये सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर है 1,1 और रेडियस भी है 1, राइट. तो ये मान लेते हैं 1,1 हो गया और ये डिस्टेंस 1 है और इसका रेडियस भी 1 है, तो ये इसको टच करते हुए ऐसा एक सर्किल हमारे पास हो गया. तो इस सर्किल का इंटीरियर हमको लेना है, इस इनइक्वालिटी से हमें ये समझ में आता है. फिर एक और कंडीशन है, देखिए x + y < 1,
x plus y less than 1, x plus y equal to 1, dosto ye line ho jayegi 1 comma 0 aur 0 comma 1 se pass hote hue, correct. यहां पे x plus y बराबर है 1 के, इस लाइन के नीचे की तरफ x plus y की वैल्यू कम हो जाएगी 1 से और ऊपर की तरफ ज्यादा हो जाएगी. तो हमें ऐसा एरिया लेना है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी सर्किल के अंदर हो, इस लाइन के नीचे हो. तो दोस्तों ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया है a1, करेक्ट. अब आते हैं a2 पे. a2 इज x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है. x plus y greater than 1, यानी इस लाइन के ऊपर की तरफ होना चाहिए. एंड x square plus y square less than 1, दोस्तों x square plus y square equal to 1, आप जानते हैं ये सर्किल है, सेंटर जिसका ओरिजिन है, रेडियस 1 है, यानी इन पॉइंट से पास होते हुए ये सर्किल आएगा ऐसे कुछ, करेक्ट. और इस सर्किल का इंटीरियर हमको लेना है, तो इस सर्किल के अंदर और इस लाइन के ऊपर, यानी ये वाला जो एरिया है, ये हो गया दोस्तों a2, राइट. अच्छा देखिए, दोनों सर्किल जो है वो सेम रेडियस के हैं, तो जब ये एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे तो इनकी कॉमन कॉर्ड जो है इस एरिया को इक्वली डिवाइड करती है. बहुत सिंपल ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है ये, तो आप देख सकते हैं a1 और a2 बराबर होने चाहिए. सो a1 मस्ट बी a2. दोस्तों यहीं से हमको पता चल जाता है कि हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा, लेकिन फिर भी चलिए और फर्दर इसको सॉल्व करते हैं. हम a3 देखते हैं क्या एरिया है. a3 में आप देखिए x plus y greater than 1, यानी इस लाइन के ऊपर ही लेना है, और कर्व जो है वो है x cube plus y cube less than 1. देखिए ये जो कर्व होगा दोस्तों, ये भी 1 comma 0 से और 0 comma 1 से पास होगा, राइट. तो यहां से पास होने वाला कर्व मुझे बनाना है. अब ये कर्व जो है, आई होप आप जानते होंगे, जब हम x पावर n प्लस y पावर n इक्वल टू 1 का अगर ग्राफ डिस्कस करें, तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है, ये कर्व इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करता है. और अगर नहीं भी जानते हैं तो आप चेक कर सकते हैं ना, कोई भी एक वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, इस इक्वेशन से x का वैल्यू डाल के y निकाल लो, इसमें x का वैल्यू सेम वैल्यू डाल के y निकालो, तो आप पाएंगे कि इसमें y का वैल्यू ज़्यादा आएगा. यानी ये कर्व कुछ इस तरह से होगा, दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 1. तो हमें तो लेस देन 1 चाहिए, तो इसके अंदर वाला हिस्सा और इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा, यानी ये जो आप देख सकते हैं, ये पूरा पार्ट a3 होगा. और बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि a3 जो है वो डेफिनेटली a2 से बड़ा आएगा. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड. क्वेश्चन नंबर 17. f r से r में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और उसकी एक प्रॉपर्टी हमको गिवन है कि f ऑफ x square is equal to f of x cube. और इसकी हेल्प से हमें बताना है कि फंक्शन जो है ये ऑड है या इवन है, और डिफरेंशिएबल है या नहीं है, करेक्ट. तो चलिए देखिए, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए ना. मैं यहां पे x cube को दोस्तों t पुट कर देता हूं, राइट. तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, दिस विल बिकम f of t एंड दिस विल बिकम f of t power 2 by 3, right? x can be any real number, तो t जो है वो x cube के बराबर है, तो वो भी कोई भी real number बन सकता है. So that is true for all t belongs to R. अब इसको देखिए, अगर हम repeatedly use करें इस property को, f of t बराबर है f of t power 2 by 3 के. अब दोस्तों इसी property में मैं t की ओर replace कर देता हूँ t power 2 by 3 से, तो यहां क्या बन जाएगा, f ऑफ t पावर 2 बाई 3, और यहां t की जगह t पावर 2 बाई 3 डालोगे तो उसकी पावर फिर से 2 बाई 3 होगी, और आपको मिलेगा f ऑफ t पावर 4 बाई 9. अगर फिर से यही रिप्लेसमेंट इसमें वापस से करते हैं, हम यही रिप्लेसमेंट फिर से करेंगे, तो अब की बार मिलेगा f ऑफ t पावर 8 बाई 27 एंड सो ऑन. इसको अगर देखिए बार बार मैं करता रहूं, तो आप देखेंगे ये जो t की पावर है, देखिए ये रिड्यूस होती जा रही है, राइट. सो इनफाइनाइटली अगर हम इस प्रोसेस को दोहराते हैं, देन इट विल टेंड्स टू t पावर 0, यानी कि f ऑफ 1 के बराबर होगा ये. तो इससे हमें ये समझ में आता है, देखिए कि फंक्शन की किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकालो, ये कंडीशन तभी हो सकती है जब f ऑफ t
टी का वैल्यू एफ ऑफ वन के बराबर हो, और एफ ऑफ वन कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, तो फाइनली हमें यह पता चल जाता है कि एफ एक्स मस्ट बी ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो देखिए, अगर कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो ये इवन भी हो गया और डिफरेंशियबल भी हो गया, राइट? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। सपोज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ जिसका डोमेन है 0 to ∞ और कुछ इस तरह से डिफाइन है कि इस कंडीशन को फुलफिल करता है। आइए यहीं से शुरू करते हैं ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 times 0 to x टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस 1, ऐसा आपको गिवन है, एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां देखिए, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन हम यहां पे कर लेते हैं। अगर मैं इसमें एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दूं तो आप देखेंगे कि एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या मिलेगा हमको। यहां 0 डालते हैं, 0 से 0 में इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1 होगा। तो ये हम रख लेते हैं वैल्यू, काम आएगी आगे। अब दोस्तों यहां देखिए ना, इसको चूंकि मैं इंटीग्रेट तो कर नहीं सकता, फंक्शन पता नहीं है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं ताकि इस साइन को हम हटा सकते हैं। तो लेबनीज रूल लगा के अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स का वैल्यू आएगा 2 times, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1, और एक्स यहां पे रिप्लेस करें टी की जगह, तो एक्स इंटू एफ एक्स, फिर दोस्तों 0 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा हम ऐसे लिख लेते हैं, एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। तो अगर इसको इंटीग्रेट करें हम तो हमें मिलेगा लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेट द कॉन्स्टेंट इज लॉग सी, राइट? सो फाइनली वी कैन राइट एफ एक्स इज इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब इस सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस कंडीशन को यूज कर लेते हैं कि एफ ऑफ 0 1 होना चाहिए। यहां से अगर आप एफ ऑफ 0 निकालते हैं देखिए, तो आपको मिलेगा सी, और यहां से हमें पता है कि ये 1 होना चाहिए, तो सी का वैल्यू हो गया 1। तो इस तरह से हमें एफ एक्स मिला ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। कैलकुलेट जो हमको करना है वो है एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू हो गया देखिए ई पावर 1। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 एलजेब्रा से है। ए एक पॉजिटिव नंबर है, राइट? और ये भी गिवन है कि ए का वैल्यू 1 नहीं है। देन द सेट एस ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर बी, याद रखिएगा बी भी हमें पॉजिटिव ही लेना है, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन 1 + a² × 1 + b² = 4ab। तो देखिए ए और बी पॉजिटिव है, तो 0 तो कतई नहीं है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा, 1 a + a × 1 b + b = 4। तो हमें यह देखना है कि b की कितनी वैल्यू ऐसी हो सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब ये 1 a + a देख करके दोस्तों आपको याद आना चाहिए amgm इनइक्वालिटी का, राइट? और इस इनइक्वालिटी से आपको पता है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर की अगर मैं बात करूं, कोई भी पॉजिटिव नंबर है x, तो x प्लस 1 / x / 2 ये बड़ा होना चाहिए gm से, इन दोनों नंबर का gm हो जाएगा 1, 2 को अगर आप उधर मल्टीप्लाई करें तो आपको ये मिला, यानी x प्लस 1 / x हमेशा 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, दैट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर x, करेक्ट? और ये 2 कब होता है, इट विल बी 2, यहां इक्वलिटी कब आती है, व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो अब यहां देखिए ये a पॉजिटिव है लेकिन 1 नहीं है, तो अगर हम ये इनइक्वलिटी a के लिए लगाते हैं तो हमें मिलेगा a प्लस 1 / a इज ग्रेटर देन 2। तो दोस्तों 2 से बड़ा होगा ना, 2 नहीं बन पाएगा क्योंकि ए का वैल्यू 1 नहीं लेना है। सिमिलरली अगर बी के लिए अप्लाई करें देन वी गॉट बी प्लस 1 / b > 2। तो दोस्तों दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, पॉजिटिव वैल्यू हर तरफ, तो आपको मिलेगा ए प्लस 1 / a × b + 1 / b > 4। याद रखिए ये टर्म 4 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये 4 के बराबर तब हो सकती है जब ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, और इसका 2 होना पॉसिबल नहीं है, यानी ये टर्म कभी भी 4 नहीं होगी, यानी इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एन एम्प्टी सेट, तो बी का कोई वैल्यू नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कैलकुलस से है। एक फंक्शन हमको गिवन है, राइट? आर से आर में डिफाइन है, हमें चेक करना है कि एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन जो है
कंटिन्यूअस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है. तो चलिए एक एक करके बात करते हैं. जीरो पे अगर आप देखिए फंक्शन की वैल्यू आ रही है जीरो. अगर मैं फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करता हूं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स, तो वो क्या होगी? तो लिमिट अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें इस पार्ट में करनी पड़ेगी, बिकॉज व्हेन एक्स टेंस टू जीरो इट मींस एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो. तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. ये पार्ट हमको सॉल्व करना है. इसको दोस्तों मैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ऐसे लिख देता हूँ, राइट. और अब ये स्टैंडर्ड लिमिट है, देखिए ना, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टेंस टू जीरो पे वन हो जाएगा. तो यू गॉट जीरो इंटू वन विच इज फाइनली इक्वल टू जीरो. तो देखिए फंक्शन की लिमिट भी जीरो आ रही है, वैल्यू भी जीरो आ रही है. इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होगा. तो ये तो क्लियर हो गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है जीरो पे. अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की. तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट. तो अगर मैं इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूं एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो वो आएगा देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एच माइनस जीरो. सो इट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो. देखिए ये तो हो गया एच, एफ ऑफ जीरो जीरो गिवन है, ये हो गया एफ ऑफ एच. और एफ ऑफ एच को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ एच स्क्वायर अपॉन एच. तो दोस्तों फाइनली ऐसा बन गया कुछ लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ऑफ एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एंड फाइनली इट इज इक्वल टू वन. तो अब देखिए इसका राइट हैंड डेरिवेटिव वन आ रहा है. सिमिलरली अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपको क्या मिलेगा? वन. बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट होगा. यहाँ माइनस एच होगा, यहां भी माइनस एच होगा, राइट. तो यहां भी माइनस एच होगा, आपस में माइनस माइनस कैंसिल होगी, यही टर्म आपको मिलेगी. तो इसलिए फंक्शन जो है दोस्तों ये डिफरेंशिएबल भी है. तो ये क्लियर हो गया कि कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है. यानी देखिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया ना, दूसरा भी गलत हो गया, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल. तीसरा है कि डिफरेंशिएबल है और इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, नहीं है. और चौथे में कि डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस है. तो चलिए अब इसके डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं. तो देखिए एफ डैश एक्स क्या आएगा? तो यहां देखिए एफ एक्स हमको गिवन है, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो तब ये एफ एक्स है. तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो तो एफ डैश एक्स आएगा देखिए साइन एक्स स्क्वायर. इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा दोस्तों टू एक्स एंड कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर. और डिविजन में एक्स है हमारे पास यहां पर, फिर साइन एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज रख लेते हैं. वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर. ये एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो गए. तो फाइनली ये इसका डिफरेंशिएशन है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो. और एक्स इक्वल टू जीरो पे हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, एलएसडी आरएसडी दोनों वन आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव भी वन होना चाहिए. तो ये एफ डैश एक्स आया. अब इसको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है. तो देखिए एफ डैश एक्स की जीरो पे वैल्यू वन आ रही है. अब जीरो पे इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ डैश एक्स. तो ये लिमिट दोस्तों आपको यहां लगानी पड़ेगी. इसमें अगर हम एक्स टेंस टू जीरो डालते हैं इट विल बिकम टू टाइम कॉस जीरो. तो टू टाइम कॉस ऑफ जीरो माइनस दिस इज साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर. तो एक्स टेंस टू जीरो पे इट विल बिकम वन. तो फाइनली ये भी दोस्तों वन हो जाएगा. देखिए तो इसकी लिमिट भी वन आ रही है, इसकी वैल्यू भी वन है, तो पक्का ये भी कंटिन्यूअस है. यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होगा. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर. तो ये था पार्ट ए का सॉल्यूशन. चलिए अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं. सो केवीपीवाई 2019 पे पार्ट बी का मैथ्स पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 81. द पॉइंट सी एंड डी ऑन अ सेमी सर्कल विद ए बी एस डायमीटर आर सच दैट. चलिए हम एक सेमी सर्कल बनाते हैं जिसका डायमीटर हम ले लेते हैं ए और बी. तो दिस इज ए बी और ये हो गया दोस्तों सेमी सर्कल ऐसे, करेक्ट. सी और डी हमें यहां लेने, इस तरह से लेने कि ए सी का वैल्यू वन है. यानी यहां मान लेते हैं हम सी है, इसको मैंने मिला दिया ऐसे, ये लेंथ मुझे गिवन है वन. सी डी का वैल्यू टू है, तो इससे थोड़ी ज्यादा ये मान लेते हैं ये है टू. और डी बी का वैल्यू हमको गिवन है थ्री.
right? Then the length of AB lies in the interval. ये length AB अपने को find out करनी है और ये diameter है इसका, तो मैं इसको D मान लेता हूँ. तो D मुझे calculate करना है. चलिए, तो यहाँ हम देखिए, ये जो quadrilateral बन रहा है, देखिए ABCD, इसके ये जो चारों vertex हैं, ये circle के ऊपर आ रहे हैं, तो ये cyclic quadrilateral हो गया. तो यहाँ हम Ptolemy theorem use कर लेंगे cyclic quadrilateral के लिए. दोस्तों टॉलेमी थ्योरम जो है, देखिए वो इस तरह से है कुछ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड के प्रोडक्ट का सम, यानी वन के अपोजिट साइड होगी यहां पे थ्री, तो वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू डी, ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स के, यानी कि बी सी और ए डी, दैट इज इक्वल टू बी सी इंटू ए डी. ये टॉलेमी थ्योरम है. BC का वैल्यू देखिए, यहां रहा, देखिए ये BC है, राइट, और ये डायमीटर है दोस्तों, तो ये 90 डिग्री का एंगल है. तो यहां हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के BC को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस वन, है ना. इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस है, तो ये पाइथागोरस से इसकी वैल्यू आ गई. सिमिलरली AD में देखिए, ये एंगल 90 डिग्री होगा और यहां ये हाइपोटेनियस है, तो यहां भी अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो AD का वैल्यू कितना आएगा, डी स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर यानी नाइन, यानी यहां हमें मिला डी स्क्वायर माइनस वन और अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस नाइन. तो इस तरह से D में हमको एक इक्वेशन मिल गई है. आप दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फाइनली आपको ये इक्वेशन मिलेगी, डी क्यूब माइनस 14D माइनस 12 इक्वल टू जीरो. एक डी का वैल्यू हम यहाँ, एक डी हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे एज ए फैक्टर, डी जीरो नहीं हो सकता तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं. तो फाइनली एक क्यूबिक इक्वेशन हमको मिल जाती है. अब दोस्तों इसको सॉल्व करके डी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ना ही हम कर पाएंगे. हमें डी का वैल्यू नहीं बताना है, ये बताना है कि ये कौन से इंटरवल में आएगा. इस फंक्शन को मैं एफ ऑफ डी बोल देता हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये. तो देखिए आप क्या करिए, अब आप एफ ऑफ फोर कैलकुलेट करिए, एफ ऑफ 4.1 कैलकुलेट करिए, एफ ऑफ 4.2 कैलकुलेट करिए, राइट, एफ ऑफ 4.3 कैलकुलेट करके देखिए. तो आप क्या पाएंगे, एफ ऑफ 4 का वैल्यू दोस्तों नेगेटिव आएगा. 4.1 यहाँ पुट करेंगे डी की जगह, कैलकुलेट करने पे ये भी नेगेटिव आएगा. 4.2 जैसे पुट करके कैलकुलेट करेंगे देन यू गॉट पॉजिटिव, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी. तो देखिए 4.1 और 4.2 पे पॉलिनोमियल के जो साइन आ रहे हैं, वैल्यू के साइन, वो डिफरेंट आ रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम 4.1 और 4.2 के बीच में इस इक्वेशन का एक रूट पक्का होगा, यानी डी की एक वैल्यू हमको डेफिनेटली मिलेगी विच इज लाइंग बिटवीन 4.1 एंड 4.2. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 82 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं. लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल एंड लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम इस तरह से, बी सी, राइट, और ये ए हो गया इस तरह, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सो लेट दिस इज डी. सो रिमेंबर इट इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इट डिवाइड इट इन द रेशियो 1:1. ए डी जो है वो मीडियन हो गया है, राइट. सपोज कॉट सी ए डी, सी ए डी दैट मीन्स सी ए डी, यानी ये वाला एंगल, इसको अल्फा बोल देता हूं मैं, एंड कॉट बी ए डी, बी ए डी, लेट दिस एंगल इज बीटा. तो हमें दोस्तों क्या दिया हुआ है, कॉट सी ए डी यानी कॉट अल्फा अपॉन कॉट बीटा इज इक्वल टू 2/1. तो ये एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिल गई है, इक्वेशन वन कर देते हैं इसको. लेट जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. तो जो सेंट्रॉइड है देखिए मीडियन पे लाई करता है, तो इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करते हुए ये सेंट्रॉइड हो गया 2. रिमेंबर द रेशियो, दिस इज 2:1, राइट. देन द मेजर ऑफ एंगल बी जी ए, एंगल बी जी ए इसको मिला देते हैं ऐसे दोस्तों, इसको मैं बोल देता हूँ थीटा. तो ये थीटा हमको कैलकुलेट करना है. चलिए शुरू करते हैं. देखिए ये रेशियो मुझे पता है 1:1 में डिवाइड कर रहा है, इन एंगल का कॉट में मुझे रिलेशन गिवन है, तो ये क्लियरली हिंट है कि हम यहाँ पे एम एन रूल यूज कर लेते हैं. आई होप आप सबको एम एन रूल पता होगा.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं MN रूल यूज कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं MN रूल। राइट, इस एंगल को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये साइन। तो अकॉर्डिंग टू MN रूल 1+1, ये जो रेशियो है 1+1 इंटू कॉट साइन, ये बराबर होगा 1 × cot β माइनस 1 × cot α के। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हमें कॉट साइन का वैल्यू मिल गया है कॉट बीटा और कॉट अल्फा की फॉर्म में। राइट, दिस कैन बी रिटन नाउ 2। अब दोस्तों अब हम अप्लाई कर देते हैं MN रूल फिर से इन ट्राइंगल BDA। राइट, क्योंकि देखिए हमें वैल्यू तो थीटा की कैलकुलेट करनी है तो इस ट्राइंगल में तो आना ही पड़ेगा। तो यहां अब हम MN रूल अप्लाई करते हैं, ये साइन है तो ये एंगल हो गया दोस्तों पाई माइनस साइन। करेक्ट, तो MN रूल से आपको मिलेगा ये रेशियो, देखिए ये 2:1 है तो आपको मिलेगा 2+1 कॉट थीटा इज इक्वल टू। अब यहां MN रूल का नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम यूज करेंगे ना, यहां हमने डिफरेंट पार्ट यूज किया था सामने वाले एंगल की फॉर्म में, और यहां हम MN रूल का जो पार्ट यूज करेंगे वो एंगल बी और सी की फॉर्म में इस तरह से यूज करेंगे ना। तो यहां देखिए यहां आपको मिलेगा 2 × cot ऑफ पाई माइनस साइन माइनस 1 × cot β। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे पास थीटा फाई और साई में देखिए 3 इक्वेशन है अल्फा बीटा में सॉरी, तो वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं। ये हो गया दोस्तों 3 cot θ इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस साई कैन बी रिटर्न माइनस कॉट साइन माइनस कॉट बीटा, और 2 cot sin की वैल्यू अब हम यहां से पुट कर देते हैं। ये 2 cot sin है कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, वो हम यहां पुट कर देते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो यहां बन जाएगा देखिए माइनस कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा, यानी आपको मिलेगा कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा मिला के हो गए माइनस के 2 cot β। और अब हम इसको यूज कर लेते हैं, यहां ध्यान से देखिए कॉट अल्फा की वैल्यू आएगी 2 cot β, यानी कॉट अल्फा बराबर होता है 2 cot β के, तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल होके आपको मिला 0। तो फाइनली मुझे मिला कि कॉट थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो इससे पता चल जाता है कि थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83, यहां देखिए 2 पॉलिनोमियल मुझे गिवन है FX और GX, और ये बताया गया कि ABCD बी द रूट ऑफ GX इक्वल टू 0। दोस्तों ABC और D ये सब रूट हैं x^4 -x³ -x²-1 = 0। करेक्ट, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बजाय हम लोग सीधे सीधे यहाँ से सम ऑफ रूट लिख सकते हैं a+b+c+d, वो कितना होगा देखिए 1। ओके, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट एट अ टाइम, यानी ab+ac+ad+bc+bd+cd, दैट इज इक्वल टू -1, एंड ABC+ABD+BCD+ACD, अगर हम इसकी वैल्यू लिखना चाहें दैट इज 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4 रूट ABCD इज इक्वल टू -1। तो ये डेटा हमको यहाँ से मिलेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अभी बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f(a+f(b+f)c+f(d)। ये जो इसके रूट है ABCD GX के, ये मुझे FX में पुट करके और फिर उन सबको ऐड करना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास a^6 b^6 इस तरह की टर्म बनेगी, बड़ी पावर है तो हम पहले इसको रिड्यूस कर लेते हैं। और ये हम ऐसे कर सकते हैं दोस्तों कि ये जो FX है इसको हम डिवाइड कर देते हैं GX से। राइट, आई होप आप सबको डिवीजन आता होगा, तो इस टर्म को आप इससे डिवाइड कीजिए। तो ऐसे में फाइनली कैलकुलेट करने पर आपको x²-x, ये तो क्वेश्चन मिलेगा, और रिमाइंडर जो मिलेगा वो मिलेगा 2x²-2x-1।
तो दोस्तों ये रिमाइंडर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यानी कि इस एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जी एक्स मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स राइट एंड प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन। तो जब दोस्तों मैं एफ ऑफ ए कैलकुलेट करूंगा, यानी इसमें एक्स की जगह ए डालेंगे, यहां देखिए यहां बनेगा जी ऑफ ए, और ए जो है वो जी एक्स इक्वल टू जीरो का रूट है, तो जी ऑफ ए का वैल्यू डेफिनेटली जीरो होगा, सो दिस टर्म विल बिकम जीरो, और यहां मिलेगा टू ए स्क्वायर माइनस टू ए माइनस वन। सिमिलरली एफ ऑफ बी भी क्या आएगा, टू बी स्क्वायर माइनस टू बी माइनस वन, ऐसे एफ ऑफ सी और एफ ऑफ डी भी हम लिख सकते हैं, और एफ ऑफ डी हो गया टू टाइम डी स्क्वायर माइनस टू डी माइनस वन। सबको अगर आप ऐड कर लेते हैं तो एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ ऑफ डी बराबर हो गया टू टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर राइट, और ये सब टर्म ऐड होके हो गई माइनस टू टाइम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी राइट, माइनस वन फोर टाइम ऐड होगा तो माइनस फोर। तो कुल मिला के ये हमको मिल गया। अब हम यहाँ से ये कंडीशन यूज कर लेते हैं, देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू वन है तो वो यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, तो हमको हमारा जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, इट विल बिकम माइनस टू टाइम वन माइनस फोर करेक्ट। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैन बी रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर, दैट मीन्स वन स्क्वायर माइनस टू टाइम ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी एंड सो ऑन, और इसकी वैल्यू है माइनस वन, यानी माइनस वन हियर। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये देखिए थ्री इंटू टू ये सिक्स हो गया, माइनस टू माइनस फोर फाइनली वर्ड जीरो, यानी एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी का वैल्यू जो है दोस्तों वो आएगा जीरो। सो द राइट आंसर इज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 84 वेक्टर से है, देखिए क्या क्वेश्चन है, तीन वेक्टर हमको गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। द एरिया ऑफ द रीजन फॉर्म्ड बाय द सेट ऑफ पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर सेटिस्फाई दिस कंडीशन। दोस्तों आर वेक्टर पोजिशन वेक्टर है, मान लेते हैं पॉइंट पी का, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट हो गए, और अगर मैं ये कंडीशन लगाता हूँ फर्स्ट कंडीशन देखिए आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू फाइव, तो मुझे मिलेगा ए का वैल्यू आई कैप जे कैप के कैप, इससे डॉट प्रोडक्ट कराओगे देन यू गॉट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू फाइव। और अगर आप इसको पहचानते हैं दोस्तों तो ये 3D में एक प्लेन का इक्वेशन है, यानी इस कंडीशन से मुझे समझ में आता है कि पॉइंट पी लाइज ऑन दिस प्लेन, तो पी इस प्लेन पे लाई करेगा करेक्ट। अब यहां एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, देखिए ये जो बी है इसको मैं पॉइंट बी का पोजिशन वैक्टर बोल देता हूं, ये है 2, 2, 1 और वो देखिए वो भी इसको सेटिस्फाई करता है करेक्ट, 2 + 2 + 1 करेंगे 5 आ जाएगा। सिमिलरली सी के पोजिशन वैक्टर ध्यान से देखिए 5, 1 और -1 ये उसके कोऑर्डिनेट है सी के, तो 5, 1 और -1 पुट करोगे तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी पी बी सी तीनों पॉइंट जो है ये लाइज ऑन दिस प्लेन राइट। तो अपना जो वेरिएबल पॉइंट है पी वो भी इसी प्लेन पे लाई करता है, बी और सी भी इसी प्लेन पे लाई करते हैं, यानी हमारी पूरी प्रॉब्लम जो है वो इस प्लेन पे ही है। तो लेट दिस इज द प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो राइट, इस बोर्ड पे ही हमने ये प्लेन ले लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे, तो देखिए इस कंडीशन का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मॉड ऑफ आर माइनस बी, आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है पी का राइट, बी का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर और सी का पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर। तो दोस्तों मॉड ऑफ आर माइनस बी ज्योमेट्रिकली डिस्टेंस पी बी को रिप्रेजेंट करता है, पी की बी से डिस्टेंस। सिमिलरली मॉड ऑफ आर माइनस सी ज्योमेट्रिकली पी की सी से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें गिवन है पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू फोर। यहां देखिए बी और सी के कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है, तो ये दोनों फिक्स पॉइंट है, पॉइंट पी वेरिएबल है और इन दोनों से सम जो है उसके डिस्टेंसेस का वो फिक्स्ड है, तो ऐसे में पी का जो लोकस होता है
वो एक इलिप्स हो सकता है, राइट। उसके लिए आपको एक चीज और चेक करनी है, बी सी, डिस्टेंस ऑफ बी एंड सी। तो बी के कोऑर्डिनेट है दोस्तों 221 और सी के कोऑर्डिनेट है 511। तो डिस्टेंस अगर आप निकालें बी और सी के बीच में, तो देखिए 2 - 5 यानी 3² 9, 2 और 1 सब्ट्रैक्ट करने पे 1 का स्क्वायर 1, और के और माइनस के तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 4, तो √14 आपको मिल रहा है। और ये जो √14 है ये छोटा होता है दोस्तों 4 से, यानी कि ये जो कांस्टेंट है 4, ये बीसी डिस्टेंस से बड़ा भी आ रहा है। तो डेफिनेटली जो पी का लोकस है इट मस्ट बी एन इलिप्स, यानी पी जो है इस प्लेन पर एक इलिप्स बनाएगा ऐसे। आई होप आप सब इलिप्स की प्रॉपर्टी जानते होंगे। ये तो इससे अब हमें इलिप्स के बारे में और जानकारी भी हो गई कि ये बी और सी जो होंगे ये दोनों इलिप्स के फोकस होंगे। तो बी एंड सी आर फोकाई ऑफ दिस इलिप्स, करेक्ट। तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है, द एरिया ऑफ द रीजन फॉर्म बाय द सेट ऑफ पॉइंट हुज पोजिशन वैक्टर इज आर वैक्टर, यानी पॉइंट पी जो ये रीजन बना रहा है इसका एरिया निकालना है, यानी इस इलिप्स का एरिया निकालना है। और एरिया ऑफ इलिप्स दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज पाई ए बी, राइट, वेयर ए इज सेमी मेजर एक्सिस एंड बी इज सेमी माइनर एक्सिस। अब इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। देखिए तो अगर ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप जानते होंगे कि ये जो फोर कॉन्स्टेंट आता है वेरिएबल पॉइंट का, कोई भी पॉइंट अगर इलिप्स पे है, दोनों फोकस से डिस्टेंस का जो सम आता है वो बराबर होता है दोस्तों 2a के, मेजर एक्सिस के बराबर होता है। तो 2a की वैल्यू यहाँ 4 हो गई, यानी a का वैल्यू हो गया हमारे पास 2, राइट। दोनों डिस्टेंस, दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है दोस्तों 2ae। तो 2ae का वैल्यू हो गया है √14, करेक्ट। अब इसकी हेल्प से हम b कैलकुलेट कर लेते हैं। एलिप्स में आप जानते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो गया यहाँ पे 4, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 14/4, करेक्ट। जिसको सिंप्लीफाई करने पे फाइनली यू गॉट हाफ। तो बी स्क्वायर का वैल्यू हाफ है। अब ये वैल्यू यहाँ यूज कर लेते हैं, ये पाई हो गया, ए का वैल्यू हो गया हमारे पास 2, और बी का वैल्यू हो गया 1/√2। ये बी स्क्वायर का वैल्यू था हाफ, फाइनली यू गॉट पाई इंटू √2। तो √2 पाई है एरिया इसका। अब हमसे पूछा गया इट इज क्लोजर टू द इंटीजर, ये कौन से इंटीजर के पास में है। तो पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 आप ले सकते हैं, √2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.414 लेंगे, और अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें इट इज 4.44 अप्रोक्सीमेटली। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए ट्रिग्नोमेट्री से है, और चलिए सॉल्व करते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आपको गिवन है, 0 से 2π में आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करने हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए ये जो पाई कॉस स्क्वायर थीटा है और ये पाई साइन स्क्वायर थीटा है, यहीं से हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों पाई साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट, इसको हम लिख सकते हैं पाई इंटू 1 - cos² थीटा, दैट मीन्स पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। और अगर अब मैं साइन ले लेता हूँ इसका, साइन ऑफ दिस, तो वो बराबर हो जाएगा साइन ऑफ दिस, राइट। और साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी फाइनली इट कैन बी रिटर्न साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो ये जो टर्म देखो ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ साइन पाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम कॉस ऑफ π/2 cos θ, करेक्ट। 2 से 2 कैंसिल और ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए इस टर्म को तो मैं एज इट इज रख लेता हूँ, कॉस π/2 cos θ। इस टर्म को हम लिख लेते हैं कॉस ऑफ π/2 - π cos²θ। और दोस्तों अगर इसके जनरल सॉल्यूशन लिखे हम कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के, तो वो होते हैं थीटा इज इक्वल टू 2nπ ± α, यानी हम लिख सकते हैं π/2 cos θ इज इक्वल टू 2nπ ± π/2 - π cos²θ, करेक्ट। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं
तो देखिए हमें क्या मिलता है, कुछ इस तरह से मिलेगा हमें, पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा सब जगह से, और इसको सिंपलीफाई करने पर आपको मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 4n पाई। सिंपलीफाई कीजिएगा इसको, देन यू गॉट दिस टर्म, करेक्ट। अब यहां n कैन बी एनी इंटीजर, तो यहां देखिए अगर हम n की वैल्यू लेते हैं तो अगर मैं 0 लेता हूं तो मुझे 0 मिलेगा, प्लस माइनस 1 लेने पे 4 पाई, प्लस माइनस 8 पाई, एंड सो ऑन, करेक्ट। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें इधर की रेंज से, जैसे अगर हम मान भी ले कि कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस टर्म देखिए, इट विल बिकम 2 प्लस 1 माइनस 1, यानी ये 3 होगी ज्यादा से ज्यादा। और आप देखिए इनमें से ये सब वैल्यू 3 से बहुत बड़ी है, तो ये सारी वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं है, सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज 0 हियर। यानी अब मेरे पास दो इक्वेशन हो गई, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें यहां से, तो देखिए कॉस थीटा की क्या क्या वैल्यू हमको मिलती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसके फैक्टर कर लेते हैं, 2 कॉस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो यहां प्लस यहां माइनस, तो यहां से आपको मिलेगा कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 और माइनस 1। सिमिलरली इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें क्या फर्क है, सिर्फ कॉस थीटा के साइन का फर्क है, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको वैल्यू मिलेगी माइनस 1/2 और प्लस का 1, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब 0 से पाई में हमें, 2 पाई में हमें थीटा की कितनी वैल्यू मिलती है वो चेक करना है, तो आप देखिए कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 0 से 2 पाई में 2 बार होगी, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे माइनस 1 ये केवल 1 बार होगी पाई पर, कॉस पाई इज इक्वल टू माइनस 1, तो इससे एक सॉल्यूशन मिलेगा। माइनस 1/2 भी 2 बार होगी सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, और 1 भी 2 बार होगी 0 पे और 2 पाई पे, तो 2 सॉल्यूशन इससे मिल जाएंगे। तो देखा जाए तो थीटा के कितने सॉल्यूशन हमको मिलेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 7, तो इस इक्वेशन के टोटल 7 सॉल्यूशन हमको मिलेंगे, सो द राइट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 86 में एक डेफिनेट इंटीग्रेशन हमको गिवन है और उसकी वैल्यू को मुझे 1/4 और पाई बाई 8 से कंपेयर करना है। यहाँ देखिए आप इसको इंटीग्रेट अगर करना चाहेंगे ये बहुत लेंदी होगा, तो हम इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालने से अच्छा है कि हम सीधे सीधे इसको कंपेयर करें एक इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन से। देखिए एक्स अपॉन 1 प्लस x पावर 8, राइट, इससे आसान होता है इंटीग्रेट करना x अपॉन 1 प्लस x पावर 4 को, राइट, क्योंकि इसमें हम एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे तो ये दो ही स्टेप में इंटीग्रेट हो जाएगा। अब अगर मैं कंपेयर करने को बोलूं कि इन दोनों फंक्शन में कौन सा फंक्शन ज्यादा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, तो देखिए कैसे कंपेयर करें। यहां देखिए दोस्तों x का जो वैल्यू लेंगे हम वो 0 से 1 के बीच में लेंगे, तो ऐसे में x पावर 4 जो है वो बड़ा होगा x पावर 8 से, राइट, यानी इन दोनों में इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो फाइनली इस फंक्शन की वैल्यू छोटी होगी इससे। और हम जानते हैं कि जो बड़ा फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन भी ज्यादा आएगा, यानी ये इंटीग्रेशन पक्का बड़ा होगा इस इंटीग्रेशन से, राइट। इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, मैं ऐसे लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहां पे 2x और यहां 1/2 कर देता हूं ऐसे, तो ये तो दोस्तों j हो गया अपना 1/2, इसको आप ध्यान से देखिए इसको t मानेंगे, dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर देन tan इनवर्स t, यानी कि इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, लिमिट हो गई 0 से 1, तो अगर आप लिमिट पुट करते हैं इसमें तो आपको कितना वैल्यू मिलेगा, 1 डालने पे आएगा पाई बाई 4, इससे मल्टीप्लाई होकर पाई बाई 8 हो गया, 0 पुट करने पे 0 हो जाएगा, यानी फाइनली वी गॉट j इज ग्रेटर देन पाई बाई 2। इसका मतलब ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, है ना, j का को कंपेयर करना है 1/4 से, तो वो देखिए हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं इस टर्म को, यानी x अपॉन 1 प्लस x पावर 8 को कंपेयर करते हैं हम 1 प्लस 1 से, राइट। यहां x का वैल्यू देखिए 1 से छोटा है, तो x पावर 8 जो होगा वो भी 1 से छोटा ही आएगा, यानी इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो फाइनली ये टर्म इससे छोटी हो गई। और अब इंटीग्रेट कर लो 0 से 1 में दोनों साइड,
ये x by 2 हो गया dx from 0 to 1, ये j हो गया दोस्तों, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, it will become x square by 4, limit 0 से 1, so finally j is greater than 1 by 4, तो j का value 1 by 4 से ज्यादा होगा, यानी statement 1 अपना correct है, so the right answer of this question is first, only statement 1 is true. Question number 87 पे आते हैं, f जिसका domain -1 से 1 open interval है, is a differentiable function satisfying this, for all x lying between -1 to 1, f of 0, 0 is the number of such functions, ये हमको calculate करना है, तो चलिए देखिए शुरू करते हैं, हमें जो equation given है, वो कुछ इस तरह से है, f dash x to the power 4 is equal to 16 f of x square, तो दोस्तों मैं दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट ले लूं तो मैं लिख सकता हूं f dash x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम मॉड ऑफ fx, करेक्ट, अब मॉड हटा के हमें यहां प्लस लेना चाहिए या माइनस लेना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि fx पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसलिए मैं यहां पे आगे तीन केस बना लेता हूं, देखिए एक बार मैं मान लेता हूं कि let f(x) इज पॉजिटिव, एक बार ले लेते हैं कि let f of x is negative और एक बार ले लेते हैं let f of x is 0, correct, तो अगर f of x positive है तो ये mod हम यहां से remove कर सकते हैं, क्योंकि mod fx fx के ही बराबर होगा, और ये differential equation अब आपको ऐसे दिखाई देगी f dash x square is equals to 4 time fx, it can be written f dash x is equal to plus minus 2 time root fx, fx positive है तो easily हम root ले सकते हैं इसका, थोड़ा और सिंपलीफाई करें, देन f dash x upon root fx is equal to plus minus 2, now integrate both side, तो देखिए अगर हम इसको integrate कर देते हैं, तो यहां इसका integration क्या होगा, 1 upon under root t, इसको t ले लेते हैं, ये dt हो गया, तो इसका integration हो जाएगा 2 root fx, इधर इसका integration हो गया plus minus 2x, और एक कांस्टेंट हम यहां पे ऐड कर देते हैं c, अब इस c की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमको, और उसके लिए हमें कंडीशन गिवन है f of 0 is 0, तो अगर f of 0 equal to 0 मैं यहां अप्लाई कर दूं, if I use this f of 0 equal to 0 then I got c is equal to 0, तो दोस्तों ये c खत्म हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और fx का वैल्यू आपको मिलेगा x स्क्वायर, प्लस माइनस x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर बनेगा, अच्छा ये x स्क्वायर आ रहा देखिए, और ये 0 से बड़ा भी होगा जैसा कि हम लोगों ने ये कंडीशन ली है, राइट, तो ये इस केस का आंसर है, सिमिलरली अगर आप इस केस के लिए सॉल्व करते हैं fx लेस देन 0 लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ यहां आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा कि यहां पे हम -4 fx लेंगे, राइट, और उससे पूरे प्रोसीजर में सॉल्व होके फाइनली यहां भी -fx होगा और आपको f(x) का वैल्यू बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा -x स्क्वायर मिलेगा एट लास्ट, इस केस में, इस केस में क्या होगा, अगर आप fx को 0 ही ले लेते हैं तो f dash x भी 0 हो गया, यानी f dash x कांस्टेंट फंक्शन हो गया, यानी कि fx का वैल्यू फिर 0 ही होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इन दिस केस, तो ऐसे हमें देखो तीन पार्ट यहां मिलते हैं फंक्शन के, कि fx को मैं 0 भी ले सकता हूं, fx को -x स्क्वायर भी ले सकता हूं, और fx को x स्क्वायर भी ले सकता हूं, लेकिन आंसर इसका तीन नहीं है देखिए, क्योंकि हम और भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहां पे बना सकते हैं, अगर मैं fx को ऐसे लिखूं कि fx का वैल्यू है x स्क्वायर के बराबर व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, राइट, और व्हेन x इज लेस देन 0 देन इट इज 0, तो आप देखेंगे ये फंक्शन भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बेसिकली दोस्तों तीनों फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर -x स्क्वायर और 0 इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो इनके अगर हम इस तरह से कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, सिमिलरली और बना सकते हैं fx इक्वल टू -x स्क्वायर when x is greater than equal to 0, when x less than 0, then it is 0, or you can also write fx is equal to x square minus x square when x is greater than 0, when x is less than 0, and so on, aise bahut se combination hum bana sakte hain, to aap dekhiyega ki right answer kya ho jana chahiye, more than 4, right, 1, 2, 3, aur 3 is 6, to yahi nazar aa rahe hain humko, aur bhi possible hai, to uske 4 se zyada definitely function banaye ja sakte hain. Question number 88 पे आते हैं, fx is mod sin x and gx is 0 to x ft dt, it simply means कि gx हो गया 0 to x mod of sin x dx,
sin t dt, sorry. Px is another function which is equals to gx minus 2 by pi x, right? So first three options dekhiye. So isse aap samajh jayenge ki sabse pehle hame calculate karna chahiye ki px plus pi ka kya relation hai px se. Okay? So dekhiye px plus pi ko hum kya likh sakte hain? That is g x plus pi minus 2 by pi x plus pi. सही है, यहां इस डेफिनेशन में मैंने x को रिप्लेस कर दिया है पाई प्लस x से. अब जी एक्स प्लस पाई क्या होगा, ये जी एक्स का डेफिनेशन रहा, इसमें x की जगह पाई प्लस x डाल दीजिए, तो 0 पाई प्लस x मॉड साइन x dx माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 बाई पाई x और माइनस 2, ये हमको मिल गया. देखिए मॉड साइन एक्स जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड होता है टी. तो इंटीग्रेशन की ये जो प्रॉपर्टी है कि जीरो से ए प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, अगर इसका पीरियड टी हो इस फंक्शन का, तो इसको हम लिख सकते हैं जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस एन टाइम जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स. इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पाई तो इसका पीरियड है और पाई का मल्टीपल यहाँ पे वन है, तो इसको हम लिख सकते हैं जीरो से एक्स मॉड साइन एक्स डी एक्स, राइट, और प्लस जीरो टू पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स माइनस टू बाई पाई एक्स एंड माइनस टू. दोस्तों साइन एक्स का, मॉड साइन एक्स का जीरो से पाई में इंटीग्रेशन होता है टू, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये बच गया आपके पास. और इसको ध्यान से देखिए, ये वापस से क्या मिल गया हमको, जी एक्स, सॉरी ये हमको मिल गया पी एक्स, राइट, ये जी एक्स माइनस टू बाई पाई एक्स हो गया और फाइनली ये वापस से पी एक्स हो गया. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट पी एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू पी एक्स, और डेफिनेटली पी एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू पी एक्स है, तो फंक्शन कैन नॉट बी वन वन, ये अपनी वैल्यू रिपीट करेगा पाई इंटरवल पे. तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 89 और यहाँ एक एल्जेब्रिक इक्वेशन हमको गिवन है, देखिए इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या गिवन है. तो अगर आप इस सिग्मा को ओपन करें, आई का वैल्यू 1, 2, 3 पुट करें, तो आपको ऐसे मिलेगा ए वन बाई टू प्लस ए टू बाई फोर प्लस ए थ्री बाई एट होली स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर बाई टू प्लस ए टू स्क्वायर बाई फोर प्लस ए थ्री स्क्वायर बाई एट. ये कंडीशन हमको गिवन है और इसके बेसिस पे मुझे बताने हैं कि ए वन ए टू ए थ्री के कितने ट्रिपलेट हम बना सकते हैं, यानी कितने ए वेक्टर पॉसिबल होंगे जो इसको सेटिस्फाई करते हैं. दोस्तों जिस तरह की ये टर्म है ना, इसको देख के और हमें याद आनी चाहिए, देखिए कोची श्वार्ज इनइक्वालिटी, मैं आपको याद दिलाता हूँ, कोची श्वार्ज इनइक्वालिटी कुछ इस तरह से है कि एक्स वन वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू प्लस एक्स थ्री वाई थ्री स्क्वायर, राइट, इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर. और सिंपल सी अलजेब्रिक इनइक्वालिटी है जिसके क्वेश्चन के वी पी वाई में अक्सर आते रहते हैं, तो आप सबको ही पता ही होगी. अब इसको देखो, यहाँ यूज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि मैं x1 को तो ले लेता हूँ a1 वन बाई रूट टू, राइट, और y1 को ले लेता हूँ 1 बाई रूट टू. सिमिलरली x2 को ले लेता हूँ a2 टू बाई टू और y2 को ले लेता हूँ 1 बाई टू और x3 को ले लेता हूँ a3 थ्री बाई रूट एट और y3 को ले लेता हूँ 1 बाई रूट एट. और ये सब्सिट्यूट मैं यहाँ कर देता हूँ, दैट इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर, तो इनके लिए भी ट्रू होगी. तो ये सब अगर मैं यहाँ सब्सिट्यूट करूँ तो देखो क्या मिलेगा हमें, एक्स वन वाई वन इनको मल्टीप्लाई करोगे देन यू गॉट ए बाई टू, ए वन बाई टू, ऐसे ही एक्स टू वाई टू करोगे ए टू बाई फोर ए थ्री बाई एट होली स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर, इनके स्क्वायर करके ऐड करिए तो ए वन स्क्वायर बाई टू ए टू स्क्वायर बाई फोर और ए थ्री स्क्वायर बाई एट मल्टीप्लाई विद, इनके स्क्वायर करके ऐड करिए
1/2, 1/4, 1/8, right? तो ये मिल गया मुझे सेकंड रिलेशन. अब मैं 1 और 2 दोनों को मर्ज कर देता हूं, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, राइट right? तो ये वैल्यू उठा के मैं यहां डाल देता हूं इसकी जगह, तो कुछ ऐसा मिलेगा. देखो अपने को इधर हो जाएगा a1 square by 2, a2 square by 4, a3 square by 8, और लेस देन इक्वल टू. इधर भी देखिए सेम यही कंडीशन है ना, a1 square by 2, a2 square by 4 plus a3 square by 8, और ये मल्टीप्लाई होके सॉल्व होके ये बन गया दोस्तों 7/8. इस 8 को आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 टाइम दिस हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 8 टाइम दिस माइनस 7 टाइम दिस, तो फाइनली आपको मिलेगा ये कि a1 square by 2 plus a2 square by 4 plus a3 square by 8 लेस देन इक्वल टू 0. अब दोस्तों a1 a2 a3 रियल नंबर है, तो जो इनके स्क्वायर हैं वो पॉजिटिव नंबर होंगे, नॉन नेगेटिव होंगे सॉरी, तो इन सब का जो सम है वो लेस देन 0 तो नहीं हो सकता. अब यहां एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये 0 के बराबर हो जाए, और स्क्वायर क्वांटिटी का सम 0 के बराबर कब होगा, जब इंडिविजुअली सबका वैल्यू 0 होगा. तो इसको सेटिस्फाई करने वाली एक ही पॉसिबिलिटी है मेरे पास कि a1 a2 a3 सबका वैल्यू 0 होना चाहिए. सो 0 0 0 इज द ओनली पॉसिबल ट्रिपलेट. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A contains exactly one element. So this is the last question of part B mathematics. Let f from 0,1 to 0,1 be a continuous function satisfying this and this, then find the integration of this term. Right? So सबसे पहले देखिए इसको समझते हैं ना. थोड़ी देर के लिए मैं fx को दोस्तों y लिख देता हूँ. Right? तो y is equal to fx की बात करें अगर हम, तो मुझे given है x square plus y square is less than 1. आप पहचानते होंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन वन, एक सर्किल है ऐसे, राइट right? और एफ एक्स के बारे में हमें गिवन है कि इसका डोमेन भी 0 से 1 है, इसका रेंज भी 0 से 1 है, यानी कि ये सारा पोर्शन यहाँ से हट जाएगा 0 से 1, और इधर भी. तो एक्स का वैल्यू भी 0 से 1 में रखना, वाई भी 0 से 1 में रखना है. तो देखा जाए तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि एफ एक्स जो अपना फंक्शन होगा वो हर पॉइंट पे, या तो यहां पे, यहां से देखिए ना, y इज लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये ग्राफ है दोस्तों, ये जो सर्किल है ये y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व है. तो y या तो इस पे इसके ऊपर होगा या इसके अंदर होना चाहिए ना, इस टाइप का कोई कर्व हो सकता है, ये अपने को यहां से पता चलता है. अब आते हैं सेकेंड पे. सेकेंड जो मुझे कंडीशन गिवन है वो 0 से 1 fx dx का वैल्यू π/4 होना चाहिए. अगर आप दोस्तों इसको इंटीग्रेट करते हैं ना, आप ध्यान से देखिए, देयर इज नो नीड टू इंटीग्रेशन. ये जो है ये क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, तो इसका अगर मैं एरिया निकालू ना, तो ये वाला एरिया बन के आता है π/4, राइट. और 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स बेसिकली फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच में बाउंडेड एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और यहां ये बोल रहे हैं कि ये एरिया π/4 होना चाहिए. इधर मुझे पता है कि सर्किल का एरिया π/4 है, और फंक्शन मेरा या तो सर्किल के अंदर होगा या सर्किल पे होगा. लेकिन अगर ये सर्किल में हुआ ना, तो ये एरिया कभी भी π/4 नहीं होगा. तो ये π/4 तभी बन सकता है जब फंक्शन एफ एक्स ये सर्किल ही हो. यानी इन दोनों बातों से हमें समझ में आता है कि एफ एक्स मस्ट बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और ये अब उठा के अपन यहां पुट कर देते हैं, तो हाफ से 1/√2 एफ एक्स यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपको कैलकुलेट करना है. ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, इससे यहाँ ऐसे बनेगा ये, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स, 1/2 से 1/√2 लिमिट है. तो 1/√2 पुट करोगे तो ये बनेगा π/4, 1/2 पुट करोगे π/6. सिंप्लीफाई करने पर इसको आपको मिलेगा, एलसीएम हो गया इसका देखिए 12, और ये हो गया 3π-2π, सो फाइनली यू गॉट π/12. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1. सो π/12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वॉचिंग द सॉल्यूशन.